नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये हमारा सातवां वीडियो है सामान्य विज्ञान का, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले जो कुछ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों को समझाया जा रहा है, पूरे क्वेश्चन जो है करवाया जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। अब फट जाएगा, क्यों फट जाएगा, इस बात को समझिए। देखिए, चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसके वजह से जो है वहाँ पर जाने पर जो है वो गुब्बारा फट जाएगा। यही कारण होता है कि जैसे चंद्रमा पर और पृथ्वी पर जो है भार जो होते हैं किसी वस्तु के अलग अलग होते हैं, तो उसका मेन कारण जो होता है वो वायुमंडल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार तो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, समान वेग से जा रही है तो अपरिवर्तित होता है, ठीक है, लेकिन अगर वेग बढ़ रहा है तो उसका वजन घटेगा, और जो है वेग घट रहा हो तो उसका वजन बढ़ेगा। इस बात को आप याद रखना, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ। देखिए, यहाँ पर क्या बोला, एक लिफ्ट में एक समान वेग से जो है जा रही किसी स्थिर व्यक्ति का भार, ठीक है, तो एक लिफ्ट जो है समान वेग से अगर जा रही है तो उसका जो भार होता है वो अपरिवर्तित होता है, लेकिन अगर वेग जो है उसका बढ़ रहा हो, या वो ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, किसी भी स्थिति में अगर उसका वेग बढ़ रहा हो लिफ्ट का, तो उसका जो व्यक्ति है उस लिफ्ट में उसका वजन जो है कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब उसका भार जो लिफ्ट का जो स्पीड है वो अगर घट रही हो तो वहाँ पर उसका भार बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? देखिए, यहाँ पर केशिकत्व भी आंसर आता है, ठीक है, अगर ऑप्शन में केशिकत्व और पृष्ठ तनाव दोनों कभी देगा नहीं, लेकिन इसके दो आंसर होते हैं, इसका जो केशिकत्व होता है एक आंसर और पृष्ठ तनाव होता है दूसरा आंसर। ठीक है, बड़ी बड़ी एग्जाम में इसका एग्जाम जो आंसर है वो पृष्ठ तनाव ही दिया है, ठीक है, तो आपको पृष्ठ तनाव याद रखना है, या फिर अगर ऑप्शन में पृष्ठ तनाव नहीं है और केशिकत्व है तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा देखिए, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो तूफान का प्रदर्शित करता है। ठीक है, बैरोमीटर को एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, बैरोमीटर जो होता है एक पाठ्यांक दर्शाता है, वायुमंडल जो हमारे वायुमंडल होता है, ठीक है, उसमें जो है दाब किस प्रकार से है इसको जो है दर्शाता है। ठीक है, तो वो अगर देखिए ये पाठ्यांक अगर है तो एकाएक अगर नीचे गिर जाता है तो तूफान आने की जो है संभावना होती है। ठीक है, अगर धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। ठीक है, और एक खट्टे अगर ऊपर चढ़ जाता है तो बारिश आने की संभावना होती है, तो ये तीन चीज़ें को समझिएगा आप। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का ताप, देखिए स्थिर अगर कोई कमरा है वहाँ पर अगर कोई बाहरी आवरण नहीं है, ठीक है, बंद कमरा है, किसी खिड़की का भी कुछ नहीं है, तो वहाँ पर जो है उसका वायु का तापमान जो है बढ़ जाता है, वो कमरा गर्म हो जाता है, आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा। अगला देखिए, 16वां, गर्म पानी 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ पर अंतर क्या है, 10 है, यहाँ पर अंतर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी जो है 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। अगला देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिमाणी क्या होगा? तो उनका परिमाणी जो है शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल वही रहेगा, पानी के तल में कोई परिवर्तित नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, इस बात को समझिए। देखिए, जब पत्थर नाव में थे तो नाव का वजन ज़्यादा था, ठीक है, नाव का वजन ज़्यादा, तो वो वजन जब गिरा दिया गया पानी में तो नाव का वजन तो कम हो गया, लेकिन पानी में उस वजन का स्थिति तो बनी रही ना, बात वही है। ठीक है, अगला देखिए, ध्वनि की तरंगे नहीं चल सकती तो निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन आता है आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में जो है मापने, मतलब परिवर्तित करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि, देखिए दोस्तों, बांध के नीचे जैसे आपको एग्जांपल में बताऊँ, जब सन 2016 की मैं बात बता रहा हूँ, 2016 में जब मैं गया था बरगी बांध, ठीक है, वहाँ पर जब मैंने बरगी डैम देखा तो बरगी डैम के अंदर ऐसे भी किसी को परमिशन नहीं होती, लेकिन हम स्टाफ की तरफ से गए थे तो वहाँ पर जो हमें परमिशन मिली थी तो हम गए थे, जहाँ पर जैसे दीवार होती, जैसे नदी की नदी यहाँ पर इधर से आई है और यहाँ पर एक दीवार बनी होती है डैम की, जो कि बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, वहाँ पर जब हम पास में गए थे तो उन्होंने जब हमें बताया कि इस दीवार के सिर्फ उस पार ही जो है आपका नदी का पानी रुका हुआ है, उसने सोचा, बोले आप मतलब सोच के देखिए, अगर दीवार टूट गई तो क्या होगा।
ठीक है। तो उस समय जो दीवार को देखा गया था ना, वो इतनी मोटी थी, बहुत ही मोटी दीवार थी, ठीक है। तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो है वहाँ पर जो गहराई अधिक होने के कारण उनका दाब जो है बढ़ता है, तो पूरा दाब जो है नीचे की दीवारों पर जो है पड़ता है, इसलिए जो है उन्हें अधिक मोटा बनाया जाता है ऊपर की अपेक्षा। ऊपर अगर मतलब एग्जाम्पल आपको अगर बताऊँ, ऊपर अगर इतनी मोटी है, ठीक है, यहाँ पर इतनी अगर दूरी है उसकी, तो जो नीचे होगी वो इतनी दूरी होगी, ठीक है, इस प्रकार से इतनी आ जाएगी इसी, ठीक है, इस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये जो दूरी है, इतनी जो है दूरी होती है नीचे की, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। अगला देखिए, द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी भिन्न परतों में होने वाली गतिज गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो श्यानता कहलाता है, ठीक है। श्यानता मतलब जैसे किसी जो कंपोनेंट होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वहाँ पर श्यानता जो है उपयोग होती है कि वो जो है परत के रूप में, लेयर के रूप में जो है मशीनों को चलने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, ठीक है। तो रेत एक यौगिक है, ठीक है। यौगिक मतलब क्या है? दो तत्वों से मिलकर बना कि कोई तत्व, ठीक है, मतलब दो तत्व है, जैसे पानी एक यौगिक है, ठीक है, पानी एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तत्व होते हैं, इस प्रकार से। तो रेत में कई प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विरंजक चूर्ण भी एक यौगिक है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण और पानी और जो रेत है, तीनों जो है एक यौगिक होता है, ठीक है। अगला देखिए, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से घटती है, ठीक है। तो श्यानता मैंने आपको बताया है कि जो है मशीनें जो कंपोनेंट होती है वहाँ पर जो है उनको जो है चलाने के लिए जो मतलब उनके लेयर जो करती है, ठीक है, लेयर जो बनाती है वही श्यानता होती है, लेकिन उसके अगर ताप बढ़ा दिया, जब मशीन जब गर्म हो जाती है तो जो है उसकी श्यानता घटने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने में पश्चात जो है जलीय वस्तु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जो है जल जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। बर्फ जब अगर आपने झील देखा होगा या फिर जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी जो जैसे यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, पानी में जो है ऊपर से एक परत जम जाती है लेकिन नीचे के जो जलीय जीव है, ठीक है, वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं क्योंकि यहाँ का तापमान जो होता है वो 4 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि तो अधिक होगी, ठीक है, दिन की अवधि अधिक होगी, ठीक है, इसको समझिएगा। अगला देखिए, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो फैराडे के नियम पर जो है विद्युत मोटर काम करती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन बम जो होता है, ये भवनों जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन जो है इनके फटने से है भवनों पर कोई नुकसान नहीं होता है। अगला देखिए, परमाणु बम ने निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिक के विखंडन पर जो है परमाणु बम कार्य करता है, ठीक है, और जो नाभिक के संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम काम करता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज का भी वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको ऐसी वीडियो डेली के हम देते रहेंगे, ठीक है। तो आपने अगर PDF आप लोगों को नहीं मिला है NTPC स्पेशल जो ग्रुप डी और जो LP का, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।